खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। रात के 9 बजने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के खास सेगमेंट कश्मीर दिन भर की। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। रेबने ख्वाजा पोरा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी के छिपे होने की खबर मिल रही है। फिलहाल दोनों ओर से रुक रुक कर लगातार फायरिंग चल रही है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस को सुबह ही आतंकियों के छिपे होने के इनपुट मिले थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने रेबन ख्वाजापोरा में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दरमियान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से लगातार फायरिंग चल रही है, कहा यह जा रहा है, और दो आतंकियों के मारे जाने की भी खबर वहां से मिल रही है। अभी भी लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व महासचिव उस्मान मजीद ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। इस दरमियान इन सब के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। उस्मान मजीद से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया न्यूज जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल ने। आपकी पार्टी में कांग्रेस पार्टी के लीडरान जब शामिल हो जाएं तो खबर जो है वो मुल्क की सतह तक पहुंचती है। रीजनल पार्टीज़ की सोच अलग होती है, लेकिन जब कौमी पार्टियों के बड़े लीडरान, साबिक वजीर इस पार्टी में शामिल हो जाएं तो उम्मीद की जाती है कि इस पार्टी की जो अब कंसिस्टेंसी है वो बहुत लाजमी है। उस्मान मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब बात करने के लिए। उस्मान साहब, कांग्रेस पार्टी ने 370 के लिए जितना जम्मू कश्मीर के लिए, आवाम के लिए, 35A के लिए, आज़ाद साहब, राहुल जी, चिदम्बरम जी, बाकी सब लोग जिस अंदाज से उन्होंने लड़ना चाहा, लड़ा असेंबली में, पार्लियामेंट में, अंदर बाहर, क्या डिफरेंट था आपका कि आप पार्टी से अलग? देखिए, बातें करने से नहीं होता है। अगर आप देखें 6 डिकेट्स में जो आज बीजेपी ने एक झटके में किया, वो तो 6 डिकेट्स में लगातार हमारा कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। अभी जहाँ तक बीजेपी इल्ज़ाम के कटहरे में खड़ी है जम्मू कश्मीर में, उससे ज़्यादा तो कांग्रेस इल्ज़ाम के कटहरे में खड़ी है। वो उस वक्त वो बातें अगर उनको याद आते, शायद आज ये तमाशा नहीं होता, ये परेशानी, हम इस मुसीबत से नहीं गुजरते। उनको तो एक झटका लगा, डंडा और झंडा जो उन्होंने रखा था सिर्फ उसको ख़त्म करने में। तो ये एक कारण है कि हालांकि विद इन द कांग्रेस इसमें अपना दो राय थी, तो ये भी एक कारण है कि हमने कहा कि ये पॉलिटिक्स है, ये आई डोंट थिंक कि सिंसियर एफर्ट्स है कि आर्टिकल 370 को हटा के गलत कर दिया है। तो एक कारण है कि हमने कहा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एजेंडा, सेट एजेंडा होता है और वो उससे हट बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो कौमी मुल्की लेवल पे देखते हैं और रीजनल लेवल पे उनका उसका इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो ये कारण में कांग्रेस छोड़ के अपनी पार्टी में आ गए। क्या माने कि अब हवा जो है वो बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगा, एक बार फिर वही माहौल आएगा जो एक साल पहले था? ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ और इंशाल्लाह हमको डेडिकेशन और कमिटमेंट से और ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। हमारे पास आम आदमी पार्टी की मिसाल है, उन्होंने लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम किया। दोबारा बीजेपी ने बहुत कोशिश की और कांग्रेस ने उनको हराने की, हरा नहीं पा रही क्योंकि तीन तीन चार चार पार्टियाँ इकट्ठे हो गई थी, तो उन्होंने बड़ी कोशिश थी, वो कामयाब नहीं हो पाए। लोगों ने भारी बहुमत से उनको दिया और उसी पैटर्न पर हमको भी देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की रियल इशूज़ क्या है, इन रियल इशूज़ को एड्रेस करेंगे, आई एम श्योर ये उससे भी ज़्यादा मकबूल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान मजीद, साबिक जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी। इन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और बाकी मसाइलों के लिए काम करेगी। तहम उन्होंने तंज किया कांग्रेस पार्टी पर, कहा कि जो इस वक्त मौजूदा बहरानी कैफियत है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। खान मुदसर के साथ जमुल इस्लाम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। जम्मू के कुपवाड़ा में विकास आयुक्त अंशुल गर्ग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, साथ ही 12 लाख रुपए के चिकित्सा उपकरण का उद्घाटन भी किया। डीडीसी ने पीएससी के संबंधित चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ को क्षेत्र के रोगियों के अधिकतम लाभ के लिए उपकरण और मशीनरी का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कि फारदेस है श्रीनगर से, तो इसी चीज़ को देखते हुए पहले एसडीएच कुपवाड़ा के लिए काफ़ी इस तरह के इनिशिएटिव्स की हमारी कोशिश थी और उसके बाद सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स के अंदर मूव आउट करने की कोशिश है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज रुगमुला के अंदर जो वेरियस इक्विपमेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 2 मंथ्स जो हमने प्रोक्योर किए थे, जो यहाँ की ज़रूरत को देखते हुए, लोगों की मुश्किलात को देखते हुए और अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ को देखते हुए, उनको आज ऑपरेशनलाइज किया गया है, प्लस जेनसेट पावर बैकअप के लिए, ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सके।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में नेता मोहम्मद यूसुफ भट्ट के घर पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इससे उनके घर का कुछ सामान जल गया। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहां पर आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों ने ही मोर्चा संभाला। हालांकि कुछ देर के बाद दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जिस वक्त आग वहां पर लगी उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। कहा जा रहा है कि यूसुफ भट्ट के घर का कुछ सामान भी जलकर राख हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि घर के सदस्य उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे और आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग वहां पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर बैंक के उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दरमियान उन्होंने भर्ती सूचना रद्द करने का विरोध किया। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के तहत पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। आप जानते हैं कि हमारे जो एग्जाम्स हुए थे, कैसे हुए थे, कब हुए थे, कितना टाइम लगा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद क्या डिसीजंस आए सैक के, उसके बाद हमने काफ़ी सारे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया हमने, हमने अपने पॉइंट्स रखे, उन पॉइंट्स हमने पुट फॉरवर्ड किए। आज भी हम एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे और काफ़ी हद तक हमने वो की, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हल्ला हो गया। हम यही कहना चाहते हैं हम स्टूडेंट्स के, हम हिप्पीज नहीं हैं, हम हूलीगन्स नहीं हैं, एंटी नेशनल्स नहीं हैं। हम कैंडिडेट्स हैं जिनने 2018 रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किया, हमने हमने एग्जाम्स दिए, एक फेयर प्रोसेस था वो IBPS ने कंडक्ट किया था। जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी शकील उर रहमान भट्ट को डिप्टी SP बनने पर स्थानीय लोगों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बधाई दी और उनका स्वागत भी किया। इस दरमियान एक सेरेमनी का भी आयोजन किया गया। यहां लोगों ने उनके कार्यों की जमकर सराहना भी की। अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी का जो सफर मैंने आज से 40 साल पहले शुरू किया था, जिस घर में मैंने जन्म लिया था, मेरे पापा, मेरे वालदेन, उनकी तमन्ना थी कि हमारे ख़ानदान से अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे ऑफिसर पैदा हो जाएं, और इनकी तमन्नाओं, इनकी दुआओं और इनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि 2007 में जब मैंने KS किया, मेरा वाइवा हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, मैं पुलिस J&K पुलिस में DSP हुआ। आज 2020 है, मार्च 8, 2020 को मैं आपके सामने जो है आज एक प्रमोशन लेके SP के रैंक पे मुझे तैनात किया गया है जो J&K सरकार की तरफ से। तो मैं अपने सारा कुछ, ये कंट्रीब्यूशन जो है मेरी ज़िंदगी में, मैं अपने सारा अपने वालदेन को देता हूँ, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीनगर में ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जम्मू नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया और लोगों की हत्याओं का विरोध किया। ट्रेड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निसार वानी ने बताया कि नेशनल हाईवे जम्मू सबसे बड़ा मौत का जाल बन गया है और कई लोगों की जान जा भी चुकी है। कई पूरे परिवार इस राजमार्ग को निगल गए हैं, लेकिन अभी तक भी प्रशासन ने सुध नहीं ली है। सदियों से जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू से रोड हमेशा खराब होता रहता है। कितने पैसे लगाए गए, कितना पैसा लग गया, कितना आदमी मर गए, रोज 4-5, 3-4 आदमी मरते हैं। जब 100 को फोन घुमाते वो के खुदाई का कहर है, वो खुदाई का कहर थोड़ा कैसे है, 2-2, 4-4 आदमी मरते हैं। परसों की बात है, एक सोमू गाड़ी नीचे आ गई जो अनंतनाग का है, उसकी फैमिली पूरा तबाह हो गई। उसके बाद एक राजस्थान का ड्राइवर नीचे आ गया, उसके बाद एक बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस बिजनेसमैन था टाइकून, ये वसीम आज़ाद, आज़ाद फैमिली, और उनका पूरा तबाह हो गए। वो कैसे हो गए, रोज 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 मर जाते हैं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, मोदी साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वो आइए और देखिए ये बानहल से रामबन तक। श्रीनगर के रहने वाले कुछ भारतीय छात्र अब भी ईरान में फंसे हुए हैं। इनके परिवार ने विदेश मंत्री S. जयशंकर से मुलाकात की और अपने बच्चों को वापस लाने की मांग की। श्रीनगर के रहने वाले कुछ छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको लेकर परिवार चिंतित और परिवारों ने विदेश मंत्री से मुलाकात की और फिर मांग की है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को वापस वतन लाया जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं अंदर,
تو اس کے ساتھ ہمارا ڈسکشن ہوا ہے. ہم کو دیوکام صاحب نے بلایا تھا یہاں کے جو ایران کے میں اسٹوڈنٹس ہیں انہیں کے پیرنٹس سے ہم ملے, انہیں کے پیرنٹس سے ملا ہے وہ. ہم اس نے ہم کو وہاں کے بارے میں بولا کہ ہم نے کیا 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 نہیں. اسے ہم پہلے ہی اویئر ہے کیونکہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے جو انفارمیشن ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے وہ ہم کو بھی ہے. مگر ہمارا یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا یا ایران گورنمنٹ سے یا اسٹیٹ گورنمنٹ سے کہ بچے جتنی جلدی ہو وہاں سے پک اپ کرو اتنا جلدی وہ اچھا رہے گا اور اس سے ہمارے بچے سیف بھی رہے گے. ہمارے یہ سارے پیرنٹس یہاں پہ آئے تھے آج, انہوں نے ایس کے آئی سی سی میں ہم کو انوائٹ کیا تھا جو بچوں کو لانا تھا ایران سے. لیکن جو منسٹر صاحب یہاں آئے تھے ایس جے شنکر اور ہمارے ڈیوکام صاحب آئے تھے یہاں پہ, ان کی طرف سے کوئی خیر خواہ اس میں جواب نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پروسیس شروع کیا ہوا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں کیونکہ یہ ایک اس طرح کی مہلک بیماری ہے, کب کہاں اور کس کو کس وقت لگ جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. شری نگر میں نگر نگم کمشنر نے لال چوک کا دورہ کیا اور اس درمیان انہوں نے سمبندھت ادھیکاریوں کو نالیوں کی نکاسی سمیت کئی خامیوں کو دور کرنے کے نردیش دیے. ساتھ ہی ہوٹل مالکوں کو صلاح دی کہ وہ کچرا نالے میں نہ پھینکیں اور وہاں پر سوچھتا کا خیال رکھیں. کلگام میں پورو ودھائک ماجد پتھر نے نور آباد کا دورہ کیا اور آگ گھٹنا سے گھروں میں ہوئے نقصان کی جانکاری لی. انہوں نے سمپتی کے نقصان پر دکھ ویکت کیا. دراصل کچھ دنوں پہلے علاقے میں بھیشن آگ لگ گئی تھی جس سے کئی گھروں میں بھاری نقصان ہوا تھا اور اسی سلسلے میں وہ پہنچے اور پیڑتوں سے ملاقات کی. یہاں نور آباد میں آ کے خود مشاہدہ کیا ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, تو مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے جو میں یہاں پر نقصان دیکھ رہا ہوں جو ان لوگوں کے ساتھ. ایک طرف تو خدا سے ناانصافی ہوئی ہے, اب خدا سے کیا گلہ کر سکتے ہیں, خدا سے کیا شکوہ, یہ ان کا منظور, ان سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن سرکار سے میری گزارش ہوگی جتنا بھی ان سے ہو سکے سرکار سے ان کو بھرپور مدد کریں, بھرپور تعاون دیں, ان کو بھرپور مدد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو ایک نئی پارٹی کل ہی بن رہی ہے بنی تھی, انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے بھی ان کو میں بھرپور مدد کروں گا. ڈوڈا میں پارمپرک اتساہ اور دھارمک اتساہ کے ساتھ رنگوں کا تیوہار ہولی منایا گیا. استھانی نواسیوں نے ایک دوسرے کو گلال لگایا اور تیوہار کی پورو سندھیا پر اپنے گھروں کو بھی سجایا. انیہ سمودائے کے سدسیوں نے بھی شبھ دن پر اپنے ہندو بھائیوں کو شبھ کامنائیں دی اور پورے ہرش و الاس کے ساتھ ہولی کا پرو یہاں پر منایا جا رہا ہے. ڈوڈا میں ہولی کا تیوہار کس طریقے سے بنایا گیا ہے ان تصویروں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہر دھرم کے لوگوں نے یہاں پر مذہب کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہولی کھیلی, ایک دوسرے کو شبھ کامنائیں دی اور سال در سال ہولی کا پرو ایسے ہی آئے اور ایسے ہی خوشحالی کے ساتھ اتساہ کے ساتھ اس پرو کو منائیں اس کی کامنا بھی کی.